सो फ्रेंड्स अभी हम गए थे सैटरडे को माइक्रोसॉफ्ट के एक इवेंट पे जिसमें उन्होंने लॉन्च करा अपना माइक्रोसॉफ्ट का एक्सबॉक्स वन एस। तो फ्रेंड्स हम लोगों को पता है वैसे तो ये ऑलरेडी पिछले साल लॉन्च हो चुका है बट अब ऑफिशियली जो है इंडिया में भी लॉन्च हो चुका है। तो इसकी फोटोज वगैरह मैंने ऑलरेडी फेसबुक या फिर या जो यूट्यूब के कम्युनिटी टैब है वहां पर मैंने ऑलरेडी पोस्ट आउट कर दी थी, आप लोगों ने देख ही लिया होगा और मैंने लाइव इवेंट भी आपको वहां पर पोस्ट कर दिया था। तो फ्रेंड्स वहां पर जब हम लोग पहुंचे तो जो डीएलएफ की बिल्डिंग थी उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस था। तो जैसे ही हमने एंटर करा वहां पर हमें मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट करी तो वहां पर मुझे मना कर दिया गया सिक्योरिटी रीजन से कि आप यहाँ पर कोई भी वीडियोस या फिर फोटोज वगैरह क्लिक नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कहा ओके चलिए अंदर चल के कर लेंगे। वहां पर फिर हमें बैचेस वगैरह मिले जो हमारे एंट्री बैचेस थे। मैं अंदर गया कॉरिडोर में वहां पर माइक्रोसॉफ्ट के जो लोगो वगैरह सब थे, मैंने सोचा वहां से जो है ब्लॉग बनाना स्टार्ट करें, तो वहां पर भी मुझे सिक्योरिटी रीजन से ब्लॉग बनाने से मना कर दिया। तो फ्रेंड्स अब मैं ये वीडियो घर पे आके इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं वहां पर जो है वो स्टार्टिंग का प्रॉपर शूट नहीं कर पाया था। तो अब मैं यहाँ पर से आपको बताऊंगा कि फ्रेंड्स वहां पर हुआ क्या। जैसे ही फ्रेंड्स हम अंदर गए उसके बाद जो कॉरिडोर है चलिए वहां से हम अंदर गए, इवेंट स्टार्ट हुआ। तो इवेंट स्टार्ट होते ही वहां पर जो उनके माइक्रोसॉफ्ट के हेड हैं उन्होंने हमें कुछ चीजों के बारे में बताया जो वो लॉन्च कर रहे थे, उसके फीचर्स, क्या प्राइस पॉइंट होगा और क्या आपको बैटरीज में देखने को मिलने वाला है। और साथ ही साथ फ्रेंड इसके बाद जो है बेस्ट चीज हुई, हमें उसके बाद एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो दिखाई गई जो कि मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहूंगा। माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑफिशियल ट्रेलर था जो एक्सबॉक्स वन एस का वो दिखाया गया जो कि बहुत ही अमेजिंग था। तो फिर मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी वो वीडियो देखें और उसके बाद मैंने ब्लॉग को वहां से स्टार्ट करा और वो भी आप आगे देख लेंगे। और उसके बाद चलिए फिर मिलते हैं एट द एंड में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स एक्सबॉक्स वन डेमो के लिए है। थर्ड टाइम आई विल से एंड सो मच नॉइज सो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। सिटिंग इन अ शू शाइन शो वेयर शी सिट्स लेट्स टेक अ लुक एट द गेम। The person hiding his head. Just trying to understand what I'm saying. I'm not. So friends, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे जो consoles हैं वो लगाए गए हैं और हमें games करने के लिए मिलेंगे इसमें और winners, I think prizes भी हैं यहाँ पे. Okay, never mind. We're going to try with a Hindi one because a lot of people are opting for Hindi. There's Gear of War. Hindi is very easy. Trust me, guys. It's very easy. Very easy. Here I go.
So friends, now मैं सोचा कि कंपटीशन में मैं भी जो है पार्टिसिपेट कर लूँ, so I am also participating in the competition and let's see who for the best. अगर जीत गए तो you didn't get the chance yet, right? तो फ्रेंड्स, मैं होप करता हूँ कि आपको जो ये ब्लॉग है काफी अच्छा लगा होगा. मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं काफी अच्छे से जो काफी सारी चीजों को कवर कर पाऊँ, बट मैं उतना अच्छे से नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पर साउंड भी बहुत लाउड था, गेमिंग कंपटीशन हो रहा था वहां पर. मैंने भी जो है गेमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा और मैं सेकंड रैंक में आया था, बट मुझसे भी जो है कोई बेटर चांस दे गया और 3 winners को एक्सबॉक्स वर्स जो है घर ले जाने के लिए मिला एज ए प्राइज गिफ्ट. तो उसमें से मैं नहीं था फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, हम तो वहां पर जो है मैं तो ऑफिशियली सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के एक्सबॉक्स वनस को देखने के लिए गया था, पर वहां पर मैंने आपको ओवरव्यू भी उसका नहीं दिया इतना खासा खासा, क्योंकि फ्रेंड्स इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं जहां पर मैंने इसको प्लेस्टेशन 4 प्रो से जो है कंपेयर करा है और आपको कौन सा वाला परचेज करना चाहिए. हम लोगों को पता है फ्रेंड्स, प्लेस्टेशन 4 इज ऑलवेज बेटर देन द एक्सबॉक्स वन एक्सबॉक्स. तो फ्रेंड्स, उसके बाद जो है इवेंट ओवर हो गया और मैंने सोचा चलिए अब घर की ओर चलते हैं और काफी ज्यादा टाइम हो चुका था, 8 o'clock हो चुके थे और रात काफी ज्यादा हो चुकी थी. तो और मैं होप करता हूँ फ्रेंड्स, जितना भी मैं कर पाया मैंने काफी जो है बेटर ब्लॉग शूट करने की कोशिश करी. तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए. बाकी फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करवा लीजिए. मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी अगली